तो गाइस कैसे हैं आप? पहली बार टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को वनडे सीरीज में उसी के घर में क्लीन स्वीप किया। दोस्तों, भारत ने लगाई जीत की हैट्रिक और 119 रनों से करारी जवाब के साथ उसने वेस्ट इंडीज को हरा दिया। दोस्तों, हालांकि पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 36 ओवरों में 225 रन इकट्ठा किए। ये तो बहुत ही शानदार पारी चल रही थी, लेकिन मैच के दौरान ही जोरों से बारिश शुरू हो गई और बारिश शुरू होने के बाद काफी वक्त तक यह खेल प्रभावित रहा और फिर निर्णय लिया गया डकवर्थ लुइस नियम के अकॉर्डिंग कि 35 ओवरों में 257 रनों का लक्ष्य वेस्ट इंडीज को मिला। हालांकि वेस्ट इंडीज ने इसे स्वीकारा और जब वो खेलने के लिए मैदान पर उतरी तो आप यूं मानिए कि जैसे एक के बाद एक विकेट बहुत ही जल्दी से उसके चटकते गए। उसे खुद नहीं पता रहा होगा कि इतनी बुरी हार हम हारेंगे। मात्र 36 ओवरों में जब 225 रन बने तो वेस्ट इंडीज को लग रहा था कि ये मैच हम जीत जाएंगे, लेकिन निर्णय तो पहले ही हो चुका था। दो जीत से तो इंडिया ने पहले ही बढ़त ले ली थी और जब डकवर्थ लुइस नियम के अकॉर्डिंग 35 ओवरों में इसे 257 रनों का लक्ष्य मिला तो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी खुश हो गए कि यार इस मैच में अपनी जी जान लगा देंगे। लेकिन जैसे ही वो मैदान पर उतरे और एक के बाद एक विकेट गिरना शुरू हो गए तो वेस्ट इंडीज के जितने भी खिलाड़ी थे, जितने भी दर्शक थे, वो काफी निराश हो गए। और यूं मानिए कि जैसे एक बार बुरा वक्त शुरू हो जाता है तो वो बुरा वक्त उनके साथ इस टीम में हार तक रहा। यानी वो कहीं पे भी अच्छी बैटिंग उनकी दिखाई नहीं दी और एक के बाद एक जैसे ही विकेट गिरते गए, अब सभी को पता चल गया था कि यार अब भारत इतिहास रचने जा रहा है। वेस्ट इंडीज को उसी के घर पर क्लीन स्वीप से मात देगा और तीनों जीत उसने हासिल की और वेस्ट इंडीज को 119 रनों से हरा दिया। वहीं भारत के माने जाने गेंदबाज युजवेंद्र चहल ने 4 विकेट चटकाए और सरदुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेट चटकाए और प्रसिद्ध कृष्णा और अक्षर पटेल ने 1-1 विकेट लेकर वेस्ट इंडीज का तो खेल ही खत्म कर दिया। और इसके पहले भारतीय टीम के धुरंधर बल्लेबाज शुभमन गिल ने 98 रन नाबाद बनाए और साथ ही साथ कप्तान शिखर धवन ने भी अपनी कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने भी 58 रन बनाए, यानी अर्धशतक उन्होंने भी जड़ा। और ये सब करते करते 36 ओवर में 225 रन इन्होंने जोड़ रखे थे। खैर, ये बहुत ही शानदार जीत रही हम सभी के लिए, ये भारत की जीत है। और ठीक इसी प्रकार टीम इंडिया अपना प्रदर्शन बेहतर से बेहतर करे तो भारत देश के जितने भी युवा खिलाड़ी हैं उनके लिए मोटिवेशन मिलेगा, उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि हमें भी कुछ इसी प्रकार से मेहनत करनी है और अपने जिंदगी में आगे बढ़ना है और हमारे देश के लिए हमें इस खेल को भी आगे बढ़ाना है और देश का भी नाम रोशन करना है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।